हाँ भेजो ना भाई। हाँ भाई भेजनी है। 16 कंपनियां बंद हो चुकी है, हम दुकानदार तो सिर्फ मक्खियां मारने आते हैं। बेरोजगारी किस तरह बढ़ेगी ये अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। 30,000 रुपए एक मोटरसाइकिल पे कीमत बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल तबाह बर्बाद है क्योंकि पीछे खाम माल नहीं है, पीछे मोटरसाइकिल कंपनियां बंद होने जा रही हैं, इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई हुई है और सबके बाद कस्टमर भी मौजूद नहीं है। हम इस वक्त अपना लॉस कवर करने आ रहे हैं। एक दुकानदार 300-350 गाड़ी जो बेचता था वो अगर 15-20 गाड़ी बेच रहा है महीने की तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? अगर हम पिछले 2022 जनवरी से लेके फेब तक का कैलकुलेट कर लें तो 30,000 रुपये एक मोटरसाइकिल पे कीमत बढ़ जाएगी। कई कंपनियों ने तो बाकायदा अपने डीलर्स को लिख के दे दिया कि जी हमारे पास खाम माल मौजूद नहीं है तो हम आपको सप्लाई नहीं दे सकेंगे। उन्होंने माजरत कर ली है मजीद माल देने से। अगर एलसीया ना खुली तो मैं नहीं समझता कि फरवरी के अंदर आपको 2023 के अंदर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री नजर आएगी, क्योंकि जब माल ही नहीं होगा तो बिकेगा क्या। पुरानी गाड़ी की सेल इस वक्त बढ़ चुकी है क्योंकि नई खरीदारी में नहीं आ रही है। मोटरसाइकिल या स्कूटी खवातीन भी चला रही हैं, वो बेचारी तो 10-20,000 30,000-40,000 सैलरी में से कहाँ ले सकती हैं। खवातीन के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो 1,50,000 2,00,000 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल या स्कूटी ले सके।